हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ मिसिंग नंबर टाइप। आप यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड वीडियो जो है देख रहे हो मिसिंग के ऊपर। तो लेट्स सी कि मैं एक बारी वीडियो देख लेता हूँ कि किस टाइप का आपका जो है डेटा यहाँ पे गिवन है इस वीडियो में। देख लीजिए, जो डैशेज आपके गिवन है दे आर मिसिंग कैरेक्टर देयर, ये मिसिंग में है। सारा डेटाबेस जो है परसेंटेज में गिवन है। तो याद रख लीजिए, जहाँ पे भी आपको डेटाबेस परसेंटेज में दिखता है, इट इज़ द मोस्ट इजीएस्ट वन। याद हमने क्या रखना है, मिसिंग के अंदर परसेंटेज में डेटाबेस आता है तो सबसे ज़्यादा इजीएस्ट वन क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज़ का खास तौर से हम लोगों ने ध्यान रखना है। लेट्स सी, डेटाबेस को एनालाइज करते हैं। वी हैव गिवन द नेम्स ऑफ कंपनीज, ये कंपनीज के नेम गिवन है बच्चों। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है यहाँ पे। ये साइंस ग्रेजुएट हैं, ये कॉमर्स वाले हैं, ये आर्ट्स वाले हैं। दैट मीन्स कि ये टोटल 100 बनेगा, ये भी 100। ये परसेंटेज गिवन है, 100% ही टोटल आपको ऑलवेज बनता है। तो होपफुली आप लोगों को डेटाबेस का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये टोटल आपका 150 में से 32% ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, टोटल 100% होगा। 31%, 40%, 100% होगा। जैसे ये 40 है, ये 31 है, दैट मीन्स कि ये 29% जो है मेरे पास बचा होगा। अब ये 30 है, ये 30, दैट मीन्स कि ये 60% जो है मेरे पास बचा होगा, क्योंकि टोटल विल बी 100। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आर्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज एंड साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉयज इन एन एन के अंदर, ठीक है जी। तो ये रहा मेरा एन, ये रहे आर्ट वाले, ये रहे साइंस वाले 29। दोनों का जो गैप आया बच्चों वो आया 11% का, यानी 700 मल्टीप्लाई 11% इट विल कम्स आउट टू बी 77, राइट। कितना इजी है, देखो देखते ही पता लग गया। और बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं वहाँ पे। ये कोई स्किप करने वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, काफ़ी आसान है। तो 77 जो है मेरा यहाँ पे आंसर हो पाया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स एम्प्लॉय इन क्यू क्यू कंपनी में वाज 312। वट वाज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन क्यू क्यू में टोटल निकालना, ठीक है। काफ़ी ईजी है, मैं क्यू की बात कर रहा हूँ आर्ट और कॉमर्स के अंदर, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको। दिस इज क्यू और ये है मेरा आर्ट और ये है मेरा कॉमर्स। देखो ये है 50%, इट इज़ वेरी क्लियर। ये है 35, टोटल हो गया है 85, दैट मीन्स कि ये 15% होगा, क्योंकि टोटल विल बी इक्वल टू 100%, ठीक है जी। अब बोलता है कि एवरेज जो है मुझे आर्ट प्लस साइंस की जो एवरेज है, सॉरी कॉमर्स की जो एवरेज है वो 312 गिवन है, यानी आर्ट प्लस कॉमर्स विल बी इक्वल टू 624। और ये टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है, 65%। तो आप कह सकते हो कि 65% विल बी इक्वल टू 624, 1% विल बी इक्वल टू 624 डिवाइड बाई आपका 65, और आपने टोटल वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई विद दिस थिंग। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है, अब हम मैं इसको कटआउट कर लेता हूँ, ये 5 से 13 पे, ये 5 से जो है 20 पे, 13 से ये जो है कटआउट आपका हो रहा है। तो जो ये आंसर आपका रहेगा, ये जो आंसर रहेगा ये आ जाएगा आपका 960। 960 जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं मैच करके देख लेता हूँ बच्चों कि मैच होता है कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही है, आंसर जो रहेगा बी ऑप्शन, दैट इज 960 जो है आपका आंसर रह जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड द आर्ट्स वन एम्प्लॉयज ऑफ एम एम कंपनी के एम्प्लॉयज वाज 10:7, वट वाज द नंबर ऑफ आर्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयज, ठीक है बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉमर्स और आर्ट की रेशियो हमें गिवन है 10:7। देखो कॉमर्स डिवाइड बाई आर्ट, 10:7 मुझे जो है गिवन है। अब पहले मैं देख लेता हूँ कौन से इसकी है ये मुझे गिवन है एम के लिए। एम के लिए बात कर रहे हैं, ये वाले के लिए। इसके लिए बच्चों देखो, जो साइंस वाले हैं, साइंस वाले जो हैं वो 32 हैं, राइट। साइंस वाले जो मेरे पास हैं वो 32 हैं। अब देखो जो कॉमर्स वाले हैं वो तो मल्टीपल ऑफ 0 होगा, और यहाँ पे मीन्स जो भी होगा ये लास्ट में 0 आएगा। वो 10 हो सकता है, 20, 30, 40, 50 ऐसे हो सकता है, कभी भी 32, 35, 45, 62 ऐसे नहीं होगा।
और ये वाला क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा, ठीक है। आप क्या ले सकते हो, 7, यहाँ पे 10 और 7 ले सकते हो, 20 और 14 ले सकते हो, ऐसे ऐसे ले सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हम 40 और 28 भी ले सकते हैं, यानी ये 40 ये 28, यानी ये मैं टोटल अगर आप यहाँ पे काउंट करके देखूँ तो ये 100% अब बन गया होगा। दैट मीन्स कि आपको कुछ भी करने की लोड यहाँ पे है नहीं अब। चलो जी, अब देखते हैं, उसने पूछा था मुझसे आर्ट्स वाले, तो आर्ट्स वाले इसका 28% जो है मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे आर्ट्स वाले। तो बच्चों ये 14 पे कैंसिल आउट, ये 50 पे कैंसिल आउट, ये 10 पे कैंसिल आउट, और ये 5 2 1 0 पे 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 14 4 1, 14 28 29, तो 294 जो है मेरा आंसर हो जाना चाहिए। 294 मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है। तो कितना इजी है क्वेश्चन निकालना, काफी इजी होते हैं मिसिंग डीआई वाले, छोड़ना नहीं होता पेपर में कभी भी। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। कहता जी टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉयज इन कंपनी एन इंक्रीज टू 20% फ्रॉम दिसंबर 12 to 13, इफ द 20%, इफ द 20% इज द टोटल नंबर ऑफ इन द कंपनी एन इन दिसंबर 2013 वर साइंस ग्रेजुएट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट इन 2013। यार लिख इतना कुछ दिया है, बताई सिर्फ एक ही बात है। कहता ये है कि 2012 में जो भी वैल्यू थी वो 20% इंक्रीज हो गई है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसका 20% अगर मैं निकालूं तो वो साइंस है। सिर्फ वो ये बात मुझे बताना चाहता था इतना कुछ लिख के। चलो मैं निकालने की ट्राई करता हूँ, और बात यहाँ पे जो हो रही है एन की बात हो रही है, तो एन हेयर इज एन, और भाई एन की मैं बात करूँ तो एन है 700। अभी कितना बन गया होगा, इतना जो है बन गया होगा, इतना टोटल बन गया। इसमें से 20% क्या है, साइंस की वैल्यू। उसने कहा है इसका 20% साइंस की वैल्यू है, ठीक है जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरोज जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, तो दिस इज 12 इंटू 14, तो ये आ गया 8 4 12, और 4 आपका आ जाता है 1 6। तो बच्चों आपका 1 6 8 जो है आपका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। तो इन शॉर्ट देखा बच्चों आप लोगों ने कितना इजी है कैलकुलेशन करना। डीआई जब भी मिसिंग वाली आती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इजी आती है, आप लोग इजीली कर सकते हो, बट आपने अपने पास से वैल्यूज पहले ही नहीं निकालना स्टार्ट करना, आपने ऑप्शंस की हेल्प लेना है। ऑलवेज क्वेश्चन एंड ऑप्शन से मिसिंग डीआई निकलती है, डायरेक्टली आप लोग कभी भी नहीं निकाल सकते हो। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।